हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी है सिनामिका। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है यजान नाम के लड़के से जो एक कैफे में बैठा था। तभी उसकी नज़र एक मोना नाम की लड़की पर जाती है जो उसे बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक तूफान आता है और सब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन मोना यजान को एक सेफ जगह लेकर जाती है। वहाँ पर उन दोनों में बातें होती हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि यजान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसे इंजीनियरिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। और मोना भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्दी उनकी शादी भी हो जाती है। अब उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मोना यजान से काफ़ी ज़्यादा पक चुकी थी क्योंकि यजान को बार बार बातें करने की बहुत आदत थी। वो हर बात पर ध्यान देने लग जाता जिसकी वजह से मोना काफ़ी परेशान हो गई थी। यजान जब बाहर पेपर लेने जाता है तो वो पेपर वाले को भी घर में बुलाकर लेक्चर देने लगता है, जिसकी वजह से पेपर वाला भी वहाँ से भाग जाता है। तो वही मोना यजान की बातों से काफ़ी तंग आ गई थी। सुबह सुबह यजान उसे एक कॉफ़ी पिलाता है जो बिल्ली की पॉटी से बनाई जाती थी। अब ये बात सुनने पर मोना उस कॉफ़ी को थूक देती है, जिसके बाद जब मोना नहा रही थी तो यजान उसके लिए केक लेकर आता है और उसे खिलाने लगता है। एक्चुअली यजान को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और वो जब भी कुछ बनाता वो उसे मोना को चखाता, जिसकी वजह से मोना काफ़ी परेशान हो गई थी। साथ ही यजान मोना की बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। अब मोना ऑफिस के लिए निकलती है जिसके लिए वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। ऑफिस आने पर मोना का बॉस उन्हें बताता है कि उनका नया प्रोजेक्ट पौंडीचेरी में होने वाला है, इसलिए कोई एक पौंडीचेरी जा सकता है। अब मोना चाहती है कि वो 1 साल के लिए पौंडीचेरी चली जाए ताकि वहाँ पर वो अकेले थोड़ी सी रिलैक्स हो सके। लेकिन उसका एक कलीग्राम जिसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ था वो भी पौंडीचेरी जाना चाहता था, लेकिन मोना कहती है कि उसका प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है इसलिए वो पौंडीचेरी जाएगी। इसी बात पर दोनों में बहस होती है और राम कहता है कि वो मोना की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जिसके बाद वो पौंडीचेरी चला जाएगा। अब मोना भी इसके लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो उन्हें अपना प्रॉब्लम बताने लगती है। मोना बताती है कि वो यजान के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि यजान एक हाउस हस्बैंड है और वो मोना को काफ़ी इरिटेट करता है। वो हमेशा मोना के साथ बातें करता रहता है और एक बल भी मोना को सुकून से नहीं रहने देता। और दूसरी बात ये थी कि यजान को कुकिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो बार बार कुकिंग करता और मोना को वो खाने के लिए कहता। मोना भी यजान से बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसका वेट भी बढ़ रहा था। मोना बताती है कि एक रात जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तभी यजान को याद आया कि उसने मोना के लिए कुछ बनाया है। तो वो रोमांस के बीच है मोना को वो डिश खिलाने लगता है। मोना कहती है कि वो यजान से बहुत प्यार करती है लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद राम मोना से कहता है कि मोना घर जाकर ऐसी चीज़ें करें जिससे यजान गुस्सा हो जाएगा। अब मोना भी वैसा ही करती है और घर जाने के बाद बिना नहाए पड़ी रहती है, अपने शूज़ भी फेंक देती है, लेकिन यजान उसे कुछ भी नहीं कहता। आज यजान ने फिर से मोना के लिए कुछ बनाया था तो वो उसे खिलाने लगता है। मोना जब देखती है कि यजान ने ड्रिंक बनाया है तो वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जो राम ने उसे दिया था, जिसे पीने के बाद यजान ठीक से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली बातें कर रहा था और वो मोना को सोने नहीं देता। दूसरे दिन मोना ऑफिस जाकर राम को बताती है कि उनका प्लान फेल हो गया। अब राम मोना से कहता है कि मोना राम के साथ कॉल पर फ्लर्ट करे, इससे यजान गुस्सा हो जाएगा और वो खुद ही मोना को डिवोर्स दे देगा, जिसके बाद मोना वैसा ही करती है और घर जाकर राम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन यजान उसे कुछ भी नहीं कहता। वो कुछ टाइम तक उनकी बातें सुनता है और फिर मोना का मोबाइल ले लेता है। वो राम को बताता है कि उसे ठीक से फ्लर्ट करना नहीं आता, अगर वो ऐसे ही फ्लर्ट करेगा तो कोई लड़की उसे भाव नहीं देगी, जिसके बाद यजान राम को फ्लर्ट कैसे करना है वो सिखाने लगता है। राम काफ़ी पक चुका था और वो समझ जाता है कि मोना कितना कुछ सहती है। अगले दिन राम मोना से माफ़ी मांगता है कि वो यजान को कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो मोना को पौंडीचेरी जाने देता है। अब मोना आकर यजान को बताती है कि उसकी ट्रांसफ़र पौंडीचेरी हो चुकी है और उसे 1 साल के लिए वहाँ पर जाना होगा। ये सुनने पर यजान को काफ़ी दुख होता है कि वो पौंडीचेरी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने अभी अभी अपने पौधे लगाए थे और अगर वो चला गया तो पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए वो कहता है कि मोना अकेले ही चली जाए। मोना भी उससे वादा करती है कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगी, जिसके बाद मोना
पोंडीचेरी चली जाती है। मोना इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो फाइनली आज़ाद हो चुकी थी। वहाँ पर आकर मोना अपने फ्रेंड से मिलती है और वो तीनों मिलकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद मोना शॉपिंग करके जब घर आती है तो वहाँ पर यजान आ चुका था। यजान यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि मोना उसके बिना नहीं रह पाएगी, ना ही वो खुद का ख्याल अच्छे से रखेगी, इसलिए यजान यहाँ पर आ गया था। लेकिन यजान को देखकर मोना काफ़ी टेंशन में आ गई थी। अब फिर से वही सब शुरू हो जाता है। दूसरे दिन मोना का बॉस उसे अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करता है। मोना भी वहाँ आने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके बॉस ने कहा था कि वो कज़ान को भी लेकर आए, लेकिन मोना झूठ बोलती है कि कज़ान चेन्नई में है। जिसके बाद मोना घर आकर शादी के लिए जाने लगती है, तो वही कज़ान के ड्रेस की बैग अभी तक नहीं आई थी, इसलिए कज़ान ने मोना की ड्रेस पहन ली थी। मोना कज़ान से झूठ बोलती है कि वो अपने एम्प्लॉय के बर्थडे पार्टी में जा रही है, क्योंकि अगर वो बता देती कि वो शादी में जा रही है तो कज़ान भी उसके साथ आता, और मोना ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन मोना मोबाइल अपना घर पर भूल कर जाती है, तभी उसके बॉस का कॉल आता है और बॉस कज़ान को भी शादी में इनवाइट करता है। अब कज़ान भी उसी ड्रेस में वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो मैनेजर को डांटने लगता है। वहाँ पर मैनेजर और कज़ान के बीच थोड़ी सी बहस होती है, जिसके बाद मोना कज़ान को लेकर घर वापस आ जाती है। कज़ान मोना से नाराज़ था क्योंकि मोना ने उसे झूठ बोला था। मोना कहती है कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि कज़ान के पास कपड़े नहीं थे, अगर वो ऐसे ही कज़ान को ले जाती तो उसे पता था प्रॉब्लम होगी। दूसरे दिन जब मोना घर के बाहर बैठी थी तो उसे एक कपल दिखाई देता है, जहाँ पर वाइफ हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पीट रही थी। तब मोना को पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक साइकेट्रिस्ट रहती है जिसका नाम है काजल, और वो लोगों की शादियाँ तुड़वाती है। अब मोना उसके पास चली जाती है। काजल की सेक्रेटरी मोना से पहले ही कहती है कि वो अंदर ना जाए क्योंकि काजल ने अब तक बहुत सी शादियाँ तुड़वाई थी। अब ये बात सुनने पर मोना काफ़ी खुश होती है और काजल को जाकर बताने लगती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। मोना काजल से कहती है कि वो यजान के साथ प्यार का नाटक करे, जब यजान को काजल से प्यार हो जाएगा तो मोना उसे डिवोर्स दे देगी और इस तरह से यजान का दिल भी नहीं टूटेगा। लेकिन काजल इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन मोना उसे किसी तरह से कन्विंस कर ही लेती है। अब काजल कहती है कि वो सबसे पहले यजान को देखेगी। एक्चुअली काजल को लगता है कि दुनिया के सारे मर्द गलत होते हैं, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि यजान भी थरकी होगा और जल्दी से फंस जाएगा। इसलिए वो मोना से कहती है कि सबसे पहले वो यजान का कहीं पर जॉब लगवाए, जिससे यजान घर से बाहर निकलेगा और उसका अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मोना ऐसा ही करती है और अपने फ्रेंड से बात करती है, जिसके बाद मोना के फ्रेंड्स यजान को उनके रेडियो चैनल पर बुलाते हैं। वहाँ पर यजान की बातें सभी लोगों को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि यजान की बातों में काफ़ी लॉजिक था, इसलिए वो लोग यजान को आरजे बना देते हैं। लेकिन यजान अपनी सैलरी 70,000 रुपीस मांग रहा था। वो लोग जब ये बात मोना को बताते हैं तो मोना कहती है कि वो खुद पैसे दे देगी, बस वो यजान को जॉब दे दे। जिसके बाद वो लोग मान जाते हैं और यजान की जॉब फिक्स हो जाती है। अब यजान की बातें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। यजान मोना को एक कैफ़े में बुलाता है ताकि वो उसे जॉब के बारे में बता सके। तभी यजान के सामने काजल आती है और यजान उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर मोना भी आती है और यजान उसे खुशखबरी दे देता है। मोना भी ये जानकर काफ़ी खुश थी कि यजान की जॉब लग गई थी, हालांकि वो जॉब उसी ने उसे लगवाई थी। अब यजान का काम शुरू हो जाता है और वो फेमस भी होने लगता है। तो वही काजल यजान को चेक करने के लिए उसे एक लड़की का फोटो भेजती है और उसे कॉल करती है। यजान जब उसके साथ बात करता है तो उसे लगता है कि यजान उसके साथ फ्लर्ट करेगा, लेकिन यजान टैटू के ऊपर उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। वो इतनी बातें करता है कि काजल और उसकी सेक्रेटरी थक जाती है। वो समझ जाती है कि यजान इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। अब काजल मोना से पूछती है कि यजान को क्या क्या पसंद है। वो यजान के बारे में हर एक चीज़ जान लेती है और फिर एक प्लान बनाती है। अगले दिन काजल अपने पुराने बर्तन फेंक रही थी, लेकिन जब यजान उसे ये सब करता हुआ देखता है तो वो उसे समझाने लगता है कि वो उन बर्तनों को ना फेंके, क्योंकि पुराने बर्तनों में पुरानी यादें होती हैं। लेकिन काजल कहती है कि ये बर्तन उसके किसी भी काम के नहीं। वो यजान से कहती है कि अगर यजान को ये बर्तन चाहिए तो वो उसे रख सकता है। यजान भी इसके लिए मान जाता है और वो बर्तनों के बदले में काजल को कॉफ़ी ऑफर करता है। जिसके बाद यजान काजल के लिए कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी पीते हुए उनके बीच काफ़ी बातें होती हैं। तब यजान को पता चलता है
कि काजल भी बिल्कुल उसी की तरह थी, इसलिए काजल यजान से दोस्ती कर लेती है। अब यजान जब भी स्टूडियो जाता तो काजल वहां पर पहुंच जाती, इसलिए यजान को काजल के साथ ही आना जाना पड़ता। उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो रही थी, लेकिन ये देखकर मोना को काफी जलस फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो ये सब नहीं देख सकती। वो यजान के साथ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो यजान को किसी और के साथ भी नहीं देख सकती थी। लेकिन काजल मोना को समझाती है कि उसे काजल पर भरोसा रखना होगा, तभी वो उन दोनों को अलग करवा पाएगी। अब मोना भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी यजान को चेन्नई से ऑफर आता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि यजान उनका चैनल ज्वाइन करे। अब यजान के लिए ये काफी बड़ा सक्सेस था और ये बात वो मोना को बताता है। लेकिन अब मोना यजान को खोना नहीं चाहती थी। वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहां पर मोना के फ्रेंड्स आते हैं और वो बताते हैं कि यजान को चेन्नई में जॉब मिल चुकी है। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश थे। वो मोना से कहते हैं कि वो फाइनली यजान से आजाद हो जाएगी। ये बात सुनकर यजान काफी हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मोना उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। यजान को काफी हर्ट फील हो रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो मोना के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मोना अपना फ्रीडम चाहती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो मोना से कहता है कि अगर उसे यजान की याद आए तो वो उसके पास आ सकती है। ये बोलकर यजान वहां से चला जाता है और मोना भी उसे रोक नहीं पाती। यजान वहां पर अपना काम कर रहा था और मोना भी यहाँ पर अपना काम कर रही थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो वही हम देखते हैं, काजल को सच में यजान से प्यार हो गया था। तो वही मोना यजान को बहुत मिस कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब मोना के बॉस का उसे कॉल आता है तो मोना बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। मोना का बॉस ये बात यजान को बताता है और यजान मोना से मिलने आता है। वो मोना को बताता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अब ये बात सुनकर मोना काफी ज्यादा डर जाती है। यजान मोना को बाहर लेकर जाता है तो वहां पर यजान की कार खड़ी थी। एक्चुअली यजान की कार ही उसकी नई गर्लफ्रेंड थी। मोना को उसकी कार देखकर काफी अच्छा लगता है, तो वही यजान उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। वो मोना के लिए खाना लेकर आया था, जो उसे देखकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो मोना से अभी भी बहुत नाराज था, क्योंकि इतने दिन हो गए मोना ने उसे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया था। यजान जब वहां से जा रहा था तभी रास्ते में उसे काजल दिखाई देती है। काजल यजान की कार देखकर काफी खुश होती है और उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। वो दोनों काफी घूमते हैं, जिसके बाद काजल चाहती थी कि यजान उसके साथ उसके घर पर आए, लेकिन यजान कहता है कि अगर ये बात मोना को पता चली तो उसे काफी अजीब लगेगा, इसलिए वो काजल को बाहर ही छोड़कर चला जाता है। अब मोना ये सब भी देख लेती है और उसे काजल पर बहुत गुस्सा आता है। वो काजल को समझाने लगती है कि वो यजान से दूर रहे, क्योंकि मोना अब यजान को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन काजल कहती है कि उसे यजान से प्यार हो गया है और वो उसे खोना नहीं चाहती। ये बात सुनकर मोना समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसी ने पहले काजल से कहा था कि वो यजान के साथ प्यार का नाटक करे, इसलिए अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ये सब कैसे रोके। अगले दिन जब मोना घर से बाहर आती है तो वहां पर कुछ आदमी आए थे। वो लोग काजल से काफी गुस्सा थे, क्योंकि काजल ने ही उनका डिवोर्स करवाया था, इसलिए वो काजल के क्लिनिक पर तोड़फोड़ कर रहे थे। तभी वहां पर मोना आती है और उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। तब उसे पता चलता है कि काजल चेन्नई गई है। ये सुनने के बाद मोना राम के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। एक्चुअली यजान के शो में यजान इंटरव्यू भी लिया करता था, इसलिए मोना राम से कहती है कि वो यजान से कहे कि वो जाकर काजल का इंटरव्यू ले। अब जब यजान जाकर काजल का इंटरव्यू लेता है कि उसने इतनी सारी शादियां क्यों तोड़ी, तो काजल उसे सब कुछ बताने लगती है। जब काजल छोटी थी तो उसके पापा उसकी माँ की सहेली के साथ भाग गए थे, जिसके बाद काजल को उसके मैथ्स टीचर ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। जब काजल को एक लड़के से प्यार हुआ तो उस लड़के ने भी उसे धोखा दे दिया। इस बात से काजल को मर्दों पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन जब उसकी लाइफ में यजान आया तो वो समझ गई कि सारे मर्द एक जैसे नहीं हो सकते, और उसे यजान से प्यार हो गया। यजान जब ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा शौक में था। वो वापस अपने घर पर चला जाता है, तभी वहां पर मोना आती है। मोना यजान को समझाने लगती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मोना हमेशा के लिए यजान के पास आ गई थी। मोना कहती है कि वो जानती है कि यजान काजल की वजह से टेंशन में है। अब ये बात सुनकर यजान काफी शौक था कि मोना को ये सब कैसे पता।
वो मोना से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। तो मोना उसे सब कुछ बता देती है कि वो यजान से काफ़ी परेशान हो गई थी, इसलिए वो डिवोर्स लेने के लिए काजल के पास गई थी। उसी ने काजल को प्यार का नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन काजल को सच में प्यार हो गया। जब यजान ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, जिसके बाद यजान अपने शो पर जाता है और सबको बताता है कि ये उसका आखिरी शो है। वो लोगों से एक सवाल पूछता है कि एक वाइफ अपने पति की बातों से तंग आकर उसे डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन वो अपने पति को डायरेक्टली डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने एक लेडी से कहा कि वो उसके पति के साथ प्यार का नाटक करे। लेकिन अब ये बात पति को पता चल चुकी है, तो अब पति को क्या करना चाहिए? क्या उसे पत्नी को माफ़ करना चाहिए या उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहिए? 89% लोग डिवोर्स के लिए वोट करते हैं, और कहीं ना कहीं यजान भी यही चाहता था, क्योंकि पहले मोना यजान से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन अब खुद यजान मोना को डिवोर्स दे रहा था। लेकिन मोना उसे रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन यजान उसकी बात नहीं सुनता और वो मोना को छोड़कर चला जाता है। ये बात जब काजल को पता चलती है तो वो बहुत खुश थी। वो यजान को आकर बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन यजान कहता है कि भले ही उसने मोना को माफ़ नहीं किया, लेकिन वो मोना की जगह किसी और को नहीं देना चाहता। ये बोलकर कजन वहाँ से चला जाता है, तो वही मोना ने उनकी बातें सुन ली थी। मोना जाकर काजल से माफ़ी मांगती है, क्योंकि मोना की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ना ही वो काजल से ये सब करने के लिए कहती और ना ही काजल को यजान से प्यार होता। लेकिन काजल कहती है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। पहले काजल को लगता था कि रिश्ता तोड़ने के लिए एक वजह काफ़ी होती है, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि रिश्ता जोड़े रखने के लिए भी एक वजह काफ़ी होती है। इसलिए अब वो डिवोर्स नहीं करवाएगी, बल्कि कपल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यजान और मोना कोर्ट के बाहर रुके थे, क्योंकि आज उनका डिवोर्स होने वाला था। मोना यजान से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यजान उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर भी यजान मोना की बातें नहीं सुन रहा था। मोना यजान से पूछती है कि उस दिन वो कैफे में काजल को इतना क्यों देख रहा था, जब उसकी जॉब फिक्स हो गई थी। तो यजान कहता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि उस कैफे में काजल थी। उसने एक लड़की को देखा और उसे ऐसा ही लग रहा था कि मोना वहाँ से आ रही है, क्योंकि जब मोना पहली बार उससे मिली थी तो भी वो एक कैफे में मिली थी। इसलिए यजान पुरानी बातों को याद करके स्माइल कर रहा था, और मोना को ऐसा लगा था कि यजान काजल को देखकर स्माइल कर रहा था। अब मोना की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी और वो समझ गई थी कि यजान उसे कितना प्यार करता है। इसलिए मोना उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। ये बात सुनकर यजान भी उसे माफ़ कर देता है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं, जिसके बाद हसीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यजान और मोना की एक बेटी है, जिसका नाम उन्होंने सिनामिका रखा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी है सिनामिका मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।